नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पे। आज की वीडियो में दोस्तों आपके लिए जो मैच कवर करेंगे वो मैच है दोस्तों यहाँ पे ACS T10 मिलन का आज के दिन का तीसरा मुकाबला जो यहाँ पे खेला जाएगा टीम फ्रेश ट्रॉपिकल वर्सेस टीम PU के बीच में। तो इस मुकाबले में दोस्तों मैं आपको इस मैच की कम्प्लीट एनालिसिस करके दूंगा और आप सभी भाइयों को बताऊंगा कि इन दोनों टीम्स ने लास्ट मैच में कैसा परफॉर्म किया है और आप किस प्लेयर को यहाँ पे कैप्टन और किस प्लेयर को आप वाइस कैप्टन पिक करके चल सकते हैं। बस आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, पूरा देखना है अगर आप लोग इस मुकाबले में विन करना चाहते हैं। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, वो टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अभी के समय 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहो तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगहों पर सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा और आप आसानी से हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये काम दोस्तों जरूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं सबसे पहले स्कोर कार्ड की ओर, जहां पर मैं आपको दोनों ही टीम्स के लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले इस मैच की अगर मैं वेन्यू की बात करूं तो ये मैच सेम वेन्यू पे खेला जाएगा जहां पर अभी तक के सारे मैचेस खेले गए हैं, मिलन क्रिकेट ग्राउंड पे। टाइमिंग इस मैच की रहेगी 4 बजे शाम के समय। अगर बात की जाए दोनों टीम्स के पॉइंट पोजीशंस की, तो आप देखेंगे कि जो फ्रेश ट्रॉपिकल टीम है ना वो अपने ग्रुप में फर्स्ट पोजिशन पर है, 2 मुकाबले खेली है, दोनों जीती है। वहीं पर इनकी जो अपोनेंट टीम है PU वो सेकेंड पोजिशन पर है, इन्होंने भी 2 मुकाबले खेले हैं जिसमें से एक जीते एक हारे। तो देखा जाए थोड़ी सी यहाँ पर फ्रेश ट्रॉपिकल की जो टीम है वो स्ट्रॉन्ग टीम है और PU की टीम थोड़ी सी इनके अगेंस्ट वीक पड़ सकती है। तो फ्रेश ट्रॉपिकल के विन करने के चांसेस 60% रहेंगे और यहाँ पे टीम PU के विन करने के चांसेस 40% रहेंगे। तो एक बार अब दोनों ही टीम्स के लास्ट मैच के स्कोर कार्ड को भी चेकआउट कर लेते हैं। अगर बात की जाए फ्रेश ट्रॉपिकल की, तो लास्ट मैच भी अपना 56 रनों से जीत कर आए हैं। इस मैच में इनकी टीम ने 10 ओवर के अंदर 150 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे, और जब बारी आई थी इस टारगेट को डिफेंड करने की तो ओपोनेंट को 94 रनों पे रोका था और उनके 6 विकेट भी गिरा दिए थे। तो इनकी ओर से दोस्तों यहाँ पर जैन नकवी और आमिर शारिफ ओपन करने आते हैं। जैन नकवी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी शानदार इनिंग खेलते हैं 16 गेंदों पर 50 रनों की, और आमिर शारिफ भी इनका काफ़ी अच्छा साथ देते हैं, 28 गेंदों पर 58 रन बनाते हैं। वन डाउन दोस्तों यहाँ पर आसिम अली आते हैं जो कि 6 गेंदों पर 8 रन बनाते हैं। सिकंदर अब्बास दोस्तों यहां पे 2 गेंदों पे 1, महमूद इमरान दोस्तों यहां पे 3 गेंदों पे 7 रन बना के आउट हो जाते हैं, शहजाद सरवर 2 गेंदों पे 1, हसन जामिल 3 गेंदों पे 6 और जावेद महस 1 गेंद पे 1 रन बनाते हैं। तो इनकी ओर से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट और मेन बैट्समैन रहेंगे वो यहां पे दोस्तों जैन नकवी, आमिर शारिफ, आसिम अली। तो ये तीन ही जो है वो इस टीम के मेन और इंपॉर्टेंट बैट्समैन है और इसी टीम के मेन प्लेयर हैं, तो इन्हीं तीनों को आप पिक कर सकते हो। बाकी अगर मैं इनकी गेंदबाजी की बात करूं तो अपोनेंट के 6 विकेट इन्होंने भी निकाले और आप देख सकते हो बॉलिंग ऑप्शन कितने ज्यादा इनके पास है। ओवरऑल इन्होंने यहाँ पे टोटल अपने 9 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जहाँ पे सिर्फ शहजाद सरवर ने अपने 2 ओवर की स्पेल की, बाकी जैन नकवी ने भी 2 विकेट निकाले, आसिम अली को भी 1 विकेट मिला, सिकंदर अब्बास को भी 1 विकेट मिला, आमिर शारिफ को भी 1 विकेट मिला। इसके अलावा बिलाल अहमद, जाहिद चीमा भी इनके जो हैं वो मेन बॉलर हैं। तो ये टोटल इनके जो मेन बॉलर हैं ना वो 5 या 6 हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों इनके ओपनिंग टीम की। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ पायो इटेलो यूनाइटेड की, तो ये अपना लास्ट मैच 11 रनों से जीते हैं। इस मैच में इनकी टीम ने 10 ओवर के अंदर 103 रन बनाए थे। तो इनकी भी बैटिंग कुछ खास स्ट्रांग नहीं है, देख सकते हो 8 विकेट इन्होंने अपने गिरा दिए थे। तो इनकी ओर से अहमद और असलम अनीस ओपन करने आते हैं, अहमद 5 रन, असलम अनीस 5 गेंदों पर 11, खुर्रम शहजाद दोस्तों यहाँ पर 14 गेंदों पर 17 रन बनाते हैं, अब्दुल कदूस दोस्तों यहाँ पर 1 गेंद खेलते हैं खाते नहीं खुल पाते, हुसनैन कबीर दोस्तों यहाँ पर 15 गेंदों पर 27, अहमद खान दोस्तों यहाँ पर 11 गेंदों पर 25, जैन अमजद दोस्तों यहाँ पर 2 गेंदों पर 3, अमजा जो कि इनके कीपर हैं 6 गेंदों पे 8, और हसीब हमीद जो कि इनके कैप्टन हैं 1 गेंद खेलते और खाता नहीं खोल पाते हैं। तो इनकी ओर से आपके लिए जो मेन और इंपॉर्टेंट बैट्समैन रहेंगे वो देखिए इनका टीम का जो बैटिंग ऑर्डर अभी तक कंफर्म नहीं है, कोई भी प्लेयर कभी भी आके ओपन कर रहा है, वन डाउन आ रहा है, तो इसीलिए मैं कहूँगा इनकी ओर से आप कमी प्लेयर्स को पिक करना, जैसे कि खुर्रम शहजाद इंपॉर्टेंट रहेंगे, हुसनैन कबीर, अहमद खान और जैन अमजद, ये 4 जो हैं वो इस टीम के मेन और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। गेंदबाजी की मैं बात करूँ तो अपोनेंट के 6 विकेट इन्होंने निकाले और इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शन है, फिर भी यहाँ पे जैन अमजद ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, 3 विकेट निकाले, अहमद खान को 1 विकेट मिला, हुसनैन कबीर को 1 विकेट मिला। तो ये तीनों आपको कंफर्म 2-2 ओवर की स्पेल करके देंगे, बाकी खुर्रम शहजाद भी प्रॉपर स्पेल करके देंगे, बाकी के जो बचे 2 ओवर होंगे वो आमिर नदीम प्रॉपर कर सकते हैं, हाफिज तैयब सोहेल के पास जा सकते हैं, उनके पास आसिफ हमीदी करके भी एक कैप्टन है, ये उनके साथ भी जा सकते हैं। बाकी आमिर नदीम अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ओवरऑल यही अपने 2 ओवर की स्पेल कराएंगे। तो उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो अभी तक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना,
चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर वॉल पे प्रेस कर लेना ताकि आप सभी को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लीजिएगा। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी आफ्टर लाइन अप टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी वो सीधा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी के समय 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगह पे सबसे पहले नंबर पे मिल जाएगा, तो किसी भी जगह से जाके आप भी सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं सीधा ऐप की ओर, जहाँ पर आपको कमाल का टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करके दिखा देते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो आपके सामने यहाँ पे दो विकेट कीपर हैं, तो आप अमजद को यहाँ पे ट्राई कर सकते हो क्योंकि हुमायूं तो काफ़ी ज़्यादा नीचे बैटिंग करते हैं और इनकी टीम का बैटिंग ऑर्डर काफ़ी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे इनके बैटिंग के आने के चांसेस भी काफ़ी कम रहेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं सिर्फ एक विकेट कीपर पिक करूँगा जो कि यहाँ पर अमजद, बाकी आप ऐसे हुमायूं के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं। बैटिंग की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर हम एच कबीर को अपनी टीम में पिक करेंगे जो कि आपको बैटिंग के साथ साथ काफ़ी अच्छा बॉलिंग भी करके देने वाले हैं। एस आरिफ बैटिंग बॉलिंग दोनों कराते हैं, इनको ट्राई करेंगे। इसके अलावा एक और आप बैट्समैन यहाँ पे पिक कर सकते हो जो कि आपके सामने अनीस असलम, कद्दूस और ए महमूद है। तो इन तीनों में आपको देखिए कोई भी मैं नहीं बता सकता हूँ किस नंबर पर आके बैटिंग करेगा, आप जिसके साथ जाना चाहो तो जा सकते हो। अभी के लिए मैं जामिल को पिक कर लेता हूँ या फिर आप इमरान के साथ जा सकते हो जो कि एक ऑलराउंडर है, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग कर लेते हैं। तो अभी के लिए मैं इमरान के साथ जाऊँगा, इनका सिलेक्शन भी काफी कम है, तो अगर आज ये कुछ कर देते तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। बाकी आप यहाँ पे जामिल, असलम, कदूस और महमूद में किसी को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन से यहाँ पर मैं जैन नकवी को पिक करूंगा। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके सामने आसिफ मलिक का, बैटिंग बॉलिंग करते हैं। यहाँ पे दोस्तों लाइनअप्स आ चुकी, देखिए दोस्तों लाइनअप्स भी आ चुकी है और एफटी की टीम ने यहाँ पे बैटिंग चुनी हुई है, तो देख सकते हो कि अभी जो शायद लाइनअप है वो दोनों ही टीम की आ चुकी है। कबीर इस मैच में नहीं प्ले कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर। बाकी मैं असलम को पिक करूँगा और नीचे से यहाँ पर कदूस भी नहीं खेल रहे, तो यहाँ पर आपको एक और बैट्समैन ट्राई करना है तो आप जामिल को ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप अगर ए महमूद को लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर इन्हीं तीन मैन बैट्समैन के साथ जाऊँगा। ऑलराउंडर की मैं बात करूँ ए अली को ट्राई करूँगा, नकवी को ट्राई करूँगा, खुर्रम शहजाद और अहमद खान को पिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जैन अमजद करके काफ़ी कमाल के ऑलराउंडर हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करके आएँ। लेकिन अभी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं हमने उनको ऑलरेडी कर लिया है। बाकी आप अगर अमजद को लेना चाहो तो अहमद खान की जगह पर ले सकते हो, लेकिन अहमद खान डेथ के अंदर बॉलिंग कराने आएंगे जिस कारण से मैं यहां पे इनको पिक करके चलूंगा। बॉलिंग की बात की जाए चीमा यहां से इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके अलावा यहाँ पे बाकी के जो मेन बॉलर होंगे वो हामिद रहेंगे। और लास्ट आपको एक और बॉलर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, देखिए एक प्लेयर आज खेलने वाला है यहाँ पे दोस्तों, कमर जमान इतना इंपॉर्टेंट रही है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप अब्बास को ही लेके जाइए या फिर आप इनकी जगह पर नदीम को ट्राई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर नदीम की टीम पहले बॉलिंग करा रही है। बाकी अब्बास भी एक विकेट टेकर बॉलर है, तो अभी के लिए अगर अब्बास की टीम पहले गेंदबाजी करती तो मैं अब्बास को भी करता, अभी के लिए मैं नदीम को ही प्रेफर करूँगा। तो मेरी दोस्तों टीम जो है वो रेडी हो गई है, ट्रॉपिकल की टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, इसी कारण से 6 प्लेस पिक किए हैं और यहाँ पे यूनाइटेड की टीम की ओर से मैंने सिर्फ 5 प्लेस को पिक करके रखा है। कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो मैं 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर, 3 बॉलर का कॉम्बिनेशन तैयार किया है। बात की जाए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, तो मेरे कैप्टन नकवी रहेंगे, वाइस कैप्टन सारिफ रहेंगे क्योंकि इस मैच को मुझे लगता है कि इनकी टीम वन साइडेड विन करेगी। बाकी आप कैसे जात को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो मेरी दोस्तों टीम रेडी हो गई है, इसको सेव कर देते और एक बार आप लोग हमारी इस टीम का प्रिव्यू ले लीजिए। सेम टीम के साथ दोस्तों स्मॉलिक ज्वाइन करेंगे और सेम टीम के साथ ही दोस्तों ग्रालिक ज्वाइन करेंगे, तो एक बार आप लोग हमारी इस टीम का प्रिव्यू ले लो, जहाँ पर भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हो वहाँ पर जाकर इस टीम का यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर इस टीम से कोई भी प्लेयर नहीं प्ले करता आफ्टर लाइन पे टॉस के बाद, या दोस्तों जो हमारी 100% विनिंग टीम होगी वो सीधा आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अभी के समय 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहो तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगह पर सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा। बाकी वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटा दबा लेना आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।